बाहर सर्कल है, अंदर स्क्वायर है। नेक्स्ट फिगर में सर्कल अंदर आ गया, स्क्वायर बाहर चला गया, लेकिन वो रोटेट हो गया है। स्क्वायर पहले ऐसे था, अब वो ऐसे। सर्कल के बारे में कुछ कह नहीं सकते, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि वो एज इट इज आ गया है अंदर। ओके, नाउ पहले ये जो डॉटेड पोर्शन है ये आउटर फिगर में था, इनर फिगर में नहीं था और ऑपोजिट साइड में था। अब ये इनर फिगर में आ गया है और अपोजिट है, सेम लॉजिक। अभी ये डॉटेड फिगर जो है ये इनर है, तो ये आउटर में जाना चाहिए, तो फोर्थ ऑप्शन को तो रिजेक्ट कर दीजिए, आउटर फिगर में आना चाहिए पहली। दूसरी बात, जो बाहर की फिगर है उसको अगर मैं एज इट इज अंदर ले आऊं तो मेरे पास में ये एक ऑप्शन बचता है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे ये आउटर में आ गया है पहली बात। ये आउटर जो हमारा स्क्वायर था वो अंदर एज इट इज आ गया है, इसकी हमने कोई डायरेक्शन चेंज नहीं की क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं सर्कल में भी ऐसा ही हो रहा है। और जो इनर स्क्वायर है वो बाहर जाके क्या होगा, इनर स्क्वायर ऐसा है तो बाहर जाके वो रेक्टेंगुलर शेप बन जाएगा, तो स्क्वायर शेप बन जाएगा बट इन अ हॉरिजॉन्टल मैनर। ये सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, सेकेंड ऑप्शन विल बी आवर। ओके, एजुकेटेड, रूरल, एम्प्लॉयड, हार्डवर्किंग, सब लिखा हुआ है। ओके, शुरुआत करते हैं। हाउ मेनी एजुकेटेड रूरल पीपल, एजुकेटेड मतलब सर्कल, रूरल मतलब जो ट्राइंगल में है, तो हम बात कर रहे हैं सर्कल और ट्राइंगल में जुड़ी हुई वैल्यूज की, ये सारी 4, 3, 6, 12। ओके, आर एम्प्लॉयड, अच्छा एम्प्लॉयड इनमें से कौन कौन है, 4 और 3, तो 6 और 12 को हटा देते हैं। बट नॉट हार्डवर्किंग, हार्ड वर्किंग से आउट कर देते हैं, 3 हट गया तो बचा है 4। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी हार्ड वर्किंग एजुकेटेड पर्सन, हार्ड वर्किंग मतलब मैं स्क्वायर देख रहा हूं, एजुकेटेड जो सर्कल में है, तो स्क्वायर और सर्कल में जो है वो ये रहे, सो दे आर हार्ड वर्किंग एजुकेटेड पर्सन आर ईदर एम्प्लॉयड और फ्रॉम द रूरल एरिया बट नॉट बोथ। ओके, अब जो नॉट बोथ है उसको हटा दीजिए। ओके, मतलब हमें रूरल एरिया और एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड कौन सा है हमारा ये रेक्टेंगल, तो ये जो है ये एम्प्लॉयड है, ये हमारा रूरल से है बट एम्प्लॉयड नहीं है, ये वाला पार्ट क्या है जो हमारा एम्प्लॉयड भी नहीं है, थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा यहाँ पर। देखिए हमारी कंसर्न में अब ये 10 नहीं हो सकता, क्यों, ये एम्प्लॉयड भी नहीं है और रूरल भी नहीं, तो ये 10 को तो हमें हटाना होगा, हमें कम से कम एक तो चाहिए, और का मतलब होता है या तो ये या दोनों, और एक 3 हटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों में है, साफ मना किया हुआ है कि नॉट बोथ, तो हमारे पास बचा है 8 + 6 = 14, तो फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एनालिटिकल रीजनिंग में सिलेक्शंस पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। A team of 4 with at least 2 boys is to be formed from among 4 boys PQRS and 4 girls ABCD. तो पहली बात, टीम होगी 4 members की, minimum 2 boys होंगे. It means it can be 2 boys, 3 boys or 4 boys. Correspondingly girls कितनी होंगी? 2, 1 or none. Additional conditions given है. C and Q must go together. C, हम girl को यहां लिख देते हैं. बॉय क्यू हम यहां लिख देते हैं, इन दोनों को साथ में जाना होगा। ओके, फर्स्ट इंफॉर्मेशन हो गई है। इफ बी सेलेक्टेड आर विल नॉट बी सेलेक्टेड एंड वाइस वर्सा, सो वी कैन से बी के साथ हम आर को सेलेक्ट नहीं कर सकते। अगर बी को लिया है तो आर को नहीं लेना है, आर को लिया है तो बी को नहीं लेना है। क्यू एंड डी कैन नॉट बी पुट टूगेदर, डी के साथ में क्यू नहीं आ सकते हैं, एक काम करते हैं डी को यहां लिख लेते हैं, तो डी के साथ क्यू नहीं आ सकते। पी एंड बी मस्ट गो टुगेदर, पी हम यहां लिखते वो बी के साथ जाने ही जाने चाहिए, एक पर्सन बचे हैं ए और एक है एस, इन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स कैन बी फॉर्म्ड, सी क्यू बी डी, पहले नजर डालिए कि कौन सा कंडीशन हमारा गड़बड़, क्यू के साथ डी नहीं आ सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन कैन नॉट बी ओवर आंसर। आर सी पी क्यू, ओके, पी के साथ बी को आना ही पड़ेगा जो यहां पर नहीं है, रिजेक्टेड। आर एस बी ए,
बी और आर एक साथ नहीं आ सकते हैं, थर्ड ऑप्शन इज रिजेक्टेड। सर्टेनली फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर होगा पी एस बी डी। पी के साथ बी आने चाहिए, आ रहे हैं। अगर डी को लिया है तो क्यू को नहीं लेना है, हमने नहीं लिया है। और एस के साथ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कम से कम दो बॉयज होने चाहिए, हमने यहाँ पर बी और डी ये तो दो गर्ल्स ले ली हैं और पी और एस दो बॉयज ले ली हैं, सारी कंडीशंस फुलफिल हैं, फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रो ऑफ बॉयज सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट। एक ही पोजिशन लेफ्ट से 11th, बी इज 9th फ्रॉम द राइट, बी 9th है फ्रॉम द राइट, सी इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ ए एंड बी। अभी तक हमें यह नहीं मालूम है कि ए बी के लेफ्ट में है या राइट में। इफ बी वुड चेंज हिज पोजिशन विद दैट ऑफ ए, अगर हम बी को ए की पोजिशन पे प्लेस कर दें, बी वुड बिकम 23rd फ्रॉम द राइट। तो राइट साइड से इनकी पोजिशन 23rd हो गई है, बिकॉज बी की पोजिशन इंक्रीज हुई है, हम ये कहेंगे कि ए बी के लेफ्ट में। नाउ अगर बी यहां से 23rd पोजिशन पे है, इसका मतलब है इनके राइट में 22 लोग हैं। ओके, यहां पर बी के राइट में 8 पर्संस थे, तो 8 पर्संस राइट में हो गए, एक बी खुद हो गया 9, तो हम ये कहेंगे कि यहां से और यहां के बीच में देयर आर 13 मेंबर्स, बिकॉज 13 यहां होंगे, एक बी हो गया है और 8 लोग इधर हो गए। ए और बी के बिल्कुल बीच में कौन है, सी। 13 को अगर हम डिवाइड करें तो सी को अगर हम कहीं भी प्लेस करेंगे तो 6 पर्संस उसके लेफ्ट में होंगे यहां पर और 6 पर्संस उसके राइट में। तो इस तरह से टोटल मेंबर्स यहां पर कितने हो गए, 13। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी फ्रॉम द लेफ्ट। फ्रॉम द लेफ्ट ए की पोजीशन है 11th, फिर 6 मेंबर्स हैं 17th, एंड देन सी की पोजीशन क्या हो जाएगी 18th। सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग फाइव ऑब्जेक्ट्स बी इज हेवियर देन ई। बी is heavier than E. E which is lighter than A. So E is lighter than A. D is lighter than C. D is lighter than C. Which is heavier than B. C is heavier than B. A is lighter than B. यहां पर हम ए को लिख सकते हैं, ए इज लाइटर देन बी। अच्छा, ए के बाद में हम ई को प्लेस कर सकते हैं, तो यहां पर हमने ई को प्लेस कर दिया है। इस इंफॉर्मेशन को और इस इंफॉर्मेशन को हमने यहां पर एक सिंगल डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया है और सी इज हेवियर देन डी। विच ऑब्जेक्ट इज द हेवीएस्ट ऑफ ऑल, सर्टनली द आंसर इज व्हाट, सी, बिकॉज वो बाकी सभी से हेवियर है, थर्ड ऑप्शन हम आंसर मार्क कर। Should the agricultural research center advise farmers regarding the choice of crops in their land on the basis of soil quality and crop production? Agricultural research center को क्या ये advice देनी चाहिए कि आपकी soil की quality के basis पे आपको कौन सी फसल उगानी चाहिए, कौन सी नहीं उगानी चाहिए? Yes, दी जानी चाहिए। This would help farmers reap a good harvest. हाँ, क्योंकि आपने साइंस का इस्तेमाल करते हुए, रिसर्च का इस्तेमाल करते हुए जो आपने सीखा है, अगर आप किसान को बताते हैं कि भाई आपकी जमीन में ये वाली फसल ज्यादा फायदा देगी इसके मुकाबले आपकी ऐसी सॉइल है, और अगर फार्मर्स को अप्लाई करेगा तो उसको फायदा मिलेगा, तो ये एक सही सलाह है, क्योंकि हमारा अल्टीमेट एम है उसको फायदा मिले। यस, आर्ग्यूमेंट वन इज वैलिड। नो द फार्मर्स थ्रू लॉन्ग एक्सपीरियंस नोज द क्रॉप सुटेबल फॉर देयर लैंड, उन्हें मालूम है, फिर भी क्या हम उनको अपने एक्सपीरियंस के ऊपर कुछ सलाह दे सकते हैं? कुछ चीजें आपके अनुभव से आती हैं, एक्सपीरियंस से आती हैं, और कुछ चीजें आप सीखते हैं थ्रू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर्स, दूसरे लोग आपको बताते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं, अपनी नॉलेज से बताते हैं। ये आर्ग्यूमेंट एक अच्छी सलाह को रिजेक्ट कर रहा है, तो आर्ग्यूमेंट वन इज स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज आर एग्जैक्टली रिलेटेड टू बी, डेटा सफिशियंसी का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट वन में जो इंफॉर्मेशन गिवन है उस पर नजर डालें। R is brother of Q, R brother है
हमने इनको स्क्वायर में प्लेस कर दिया है, किनके? क्यू के। क्यू हु इज मदर ऑफ पीज ओनली सन, क्यू मदर है किनकी? पी के ओनली सन की। तो अगर वो पी के ओनली सन की मदर है तो जो पी का ओनली सन है वो उनका भी सन होगा। तो लेट अस से यहां पर हम बात कर रहे हैं वो सन है, से उसका नाम हमने लिखा है एक्स, और ये सन पी का ओनली सन है। दैट मीन्स यहां पर जो रिलेशन हमें मिलेगा वो क्या होगा, पी फादर होंगे इस पर्सन की। तो इंफॉर्मेशन को एक बार वापस गो थ्रू कर लेते हैं। आर क्यू के ब्रदर हैं, क्यू मदर है पी के ओनली सन की, तो पी का जो ओनली सन है वो है एक्स और इनकी मदर कौन है, क्यू। दैट मीन्स पी एंड क्यू हस्बैंड एंड वाइफ। क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ इज आर एग्जैक्टली रिलेटेड टू पी, आर का पी से रिलेशन कैन वी फाइंड आउट? यस, इनकी वाइफ का ब्रदर इनका ब्रदर इन लॉ कहलाएगा। देयरफॉर फर्स्ट स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड। सेकंड स्टेटमेंट जब हम चेक करेंगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो अब हमारे कोई काम की नहीं। आर इज सन ऑफ पीज ग्रैंडफादर क्यू, तो पी ग्रैंडफादर क्यू है, तो यहां पर क्यू है, ये मेल मेंबर है क्योंकि ग्रैंडफादर लिखा हुआ है। आर इज सन, आर इनका सन है, ठीक है। नाउ पी इज ग्रैंडफादर क्यू हु हैज टू चिल्ड्रन, सो ग्रैंडफादर क्यू जो है इनके दो बच्चे हैं। हमें नहीं मालूम है कि सेकेंड मेंबर कौन है, मेल है या फीमेल है पहली बात, और दूसरा हमें ये नहीं मालूम है कि पी को हम कहां प्लेस करेंगे। हो सकता है पी को हम यहां प्लेस कर दें, राइट? तो इनके ग्रैंडफादर हैं क्यू और उनका सन है आर, हो सकता है हमें पी को यहां प्लेस करना हो, उस केस में भी ये इनके ग्रैंडफादर कहलाएंगे। सन लिखा है, ओनली सन नहीं बोला है, दो चिल्ड्रन बोले हैं तो हो सकता है ये भी सन हो। वैसे अगर मेल या फीमेल कोई भी हो, फादर के फादर भी ग्रैंडफादर कहलाएंगे और मदर के फादर भी ग्रैंडफादर कहलाएंगे, अनलेस मेंशन कि आप पैटर्नल या मैटर्नल वर्ड का इस्तेमाल करें। तो पी का आर से जो रिलेशन है वो कंफर्म नहीं है, क्योंकि एक तो हमें पी का जेंडर भी मालूम नहीं है, आर का जेंडर हाँ हमें मालूम है, तो हम ये कह सकते हैं अगर हम पी को यहाँ प्लेस करते तो आर पी के फादर होते, और अगर हम पी को यहाँ प्लेस करेंगे तो आर पी के अंकल होंगे। तो दो कंफ्यूजिंग आंसर हमें मिल रहे हैं, हमारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ नहीं मिल रहा है। Therefore, हम क्या कहेंगे, ओनली स्टेटमेंट वन अलोन इज सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द हेवीएस्ट ऑफ द फोर ऑब्जेक्ट्स एक्स वाई जेड एंड एम। एक्स एंड जेड टुगेदर, सो विल से एक्स एंड जेड टुगेदर वे एज मच एज वाई एंड एम टुगेदर, ओके। एक्स इज ट्वाइस एज हेवी एज एम, x is twice as heavy as m and half as heavy as z, half as heavy as z। क्या इस इंफॉर्मेशन से हम पता कर सकते हैं हेवीएस्ट कौन है? x की जगह हम 2m पुट कर दें तो ये हो गया है 2m, m की जगह हम m पुट कर सकते हैं। अगर x की जगह हम 2m पुट करेंगे तो z की वैल्यू हो जाएगी 2 into 2m, that is 4m, तो ये 4m हो गया, क्योंकि इन दोनों का सम इन दोनों के सम के इक्वल है। ये तभी पॉसिबल होगा जब y की वैल्यू 5m होगी। इनको ऑब्जर्व करने पर वी कैन फाइंड कि जो हाईएस्ट वैल्यू है वो है 5m और वो किसकी वैल्यू है, y की। तो स्टेटमेंट 1 को रीड करके वी कैन डेफिनेटली से दैट y इज द हेवीएस्ट ऑफ दीज फोर ऑब्जेक्ट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन इज सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन। व्हाट अबाउट सेकंड स्टेटमेंट, x is twice as heavy as m, x is twice as heavy as m and half as heavy as y, x is half as heavy as y, while z is one and a half times as heavy as x, z is one and a half times as heavy as x। तो m का वेट तो हमने m ले लिया है, x का वेट हो जाएगा 2m, what about z, ये हो जाएगा 2m into 1.5 that is 3m,
एंड व्हाट अबाउट वाई? वाई हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 2m, दैट इज 4m. ऑब्जर्व करने पर वी कैन से दैट वाई इज द हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट. हो सकता है यहां पर आंसर हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट में जो आंसर आया उससे डिफर हो, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि डेटा सफिशियंसी में जब हम स्टेटमेंट वन को चेक कर रहे हैं तब स्टेटमेंट टू की इंफॉर्मेशन हमारे किसी काम की नहीं है, और जब हम स्टेटमेंट टू को चेक करते हैं तो स्टेटमेंट वन की इंफॉर्मेशन हमारे किसी काम की नहीं है. बोथ द स्टेटमेंट्स अलोन आर सफिशियंट, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्संस आर स्टैंडिंग इन द लाइन? अंकुर इज एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ प्रकाश एंड हितेन. हितेन हु इज नाइन्थ फ्रॉम द राइट. हितेन की पोजीशन राइट से नाइन्थ है. एंड देयर आर फाइव पर्संस बिटवीन अंकुर एंड हितेन. अंकुर एंड हितेन के बीच में फाइव पर्संस है, मे बी अंकुर इस तरफ होगा और टोटल यहां पर फाइव पर्संस होंगे इनके बीच में, या अंकुर को हम यहां प्लेस करेंगे एंड देयर आर फाइव पर्संस बिटवीन देम. बट इस क्वेश्चन से, इस इंफॉर्मेशन से हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते हैं कि टोटल कितने पर्संस हैं इस लाइन में, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि हितेन के लेफ्ट में कुल कितने पर्संस हैं. स्टेटमेंट वन अलोन इज नॉट सफिशियंट. स्टेटमेंट बी अब हम जब देखेंगे स्टेटमेंट टू, तब स्टेटमेंट वन की इंफॉर्मेशन हमारे किसी काम की नहीं. विजय इज नाइन्थ फ्रॉम द लेफ्ट. विजय नाइन्थ है फ्रॉम द लेफ्ट एंड बिकम्स 15th फ्रॉम द लेफ्ट इफ ही इंटरचेंजेस हिज पोजीशन विद शीला हु इज 5th फ्रॉम द राइट. शीला की पोजीशन है 5th फ्रॉम द राइट, और अगर विजय अपनी पोजीशन शीला के साथ इंटरचेंज कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वो 15th हो जाएंगे फ्रॉम द लेफ्ट. वो 15th हो जाएंगे फ्रॉम द लेफ्ट. तो इस केस में विजय के लेफ्ट में 14 पर्संस हैं, एक विजय खुद हो गए 15, और यहां पर क्योंकि शीला की पोजीशन 5th है तो देयर मस्ट बी 4 पर्संस. तो टोटल पर्संस कितने होंगे, विजय के लेफ्ट में 14, एक विजय या शीला की पोजीशन हम काउंट कर लें, और उसके राइट में 4 पर्संस. तो टोटल हां हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं That how many persons are standing in the line? We can say 19 persons are standing in the line. हमें exact number निकालने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि data sufficiency का question है. हमें सिर्फ ये पता करना था कि क्या information given in this statement is sufficient to answer the question or not. Yes, it is sufficient. Second option will be the answer to our question.